हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन सी नई वोकैबुलरी मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लॉय टू किल मी, प्लॉय मींस होता है षड्यंत्र चाल, ठीक है, मेरे को मारने की चाल है। सेज एक्स एमपी, जो जो पूर्व के जो एमपी हैं, सांसद हैं, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को मारने की चाल है। बिफोर एंटरिंग पुलिस वैन, पुलिस वैन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ये बोला, ठीक है। तो ये चलिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अहमदाबाद लखनऊ, द उत्तर प्रदेश पुलिस ऑन संडे इवनिंग, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है रविवार शाम, टुक द कस्टडी ऑफ माफिया, तो जो माफिया टर्न पॉलिटिशियन, जो माफिया से बने राजनेता हैं, ठीक है, उनकी कस्टडी ले ली है। इनका नाम क्या, अतीक अहमद, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, साबरमती सेंट्रल जेल से उनकी कस्टडी ले ली है, इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में ये पड़ता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड फॉर प्रयागराज, और प्रयागराज के लिए वो स्टार्ट हो गए, मतलब वहाँ से चालू निकल चुके हैं। वेयर ही विल बी प्रोड्यूस, जहाँ पर उनको पेश किया जाएगा, बिफोर द लोकल एमपी एमएलए कोड, कोई जो स्थानीय एमपी एमएलए कोड है उसमें उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब पेश किया जाएगा, प्रोड्यूस मींस होता पेश करना। विच विल प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट, जो सुनाएगी, ये विच कोर्ट के लिए लगा है, प्रोनाउंस मींस होता डिक्लेयर करना, ठीक है। विच विल प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मींस होता फैसला, जो अपना फैसला सुनाएगी, इन 2007 की किडनैपिंग केस में, ठीक है, 2007 का जो अपहरण का जो मामला था, ठीक है, तो उसकी उसका फैसला सुनाएगी ऑन मार्च 28 को, ठीक है। द केस इन्वॉल्व्स द एलिज्ड किडनैपिंग ऑफ उमेश पाल, तो जो उमेश पाल का जो अपहरण है तो इस केस में वो शामिल है, ठीक है। एलिज मींस होता कथित, जो कथित उसकी जो अपहरण हुआ था वो इसमें इस केस में शामिल है। तो ये उमेश पाल कौन है, ये अ विटनेस इन द BSP MLA, तो ये गवाह हैं, ठीक है, एक BSP MLA हैं, राजू पाल मर्डर केस इन 2005, जो 2005 में जो राजू पाल का जो हत्या हुई थी, जो BSP MLA थे उनके ये गवाह थे उमेश पाल, ठीक है। ऑन फरवरी 24 को दिस ईयर, इस साल, उमेश पाल एंड टू पुलिस पर्सनल, उमेश पाल और दो पुलिसकर्मी वर किल्ड, मार दिए गए, इन अ शूट आउट, एक मुठभेड़ में, इन प्रयागराज में, ठीक है। शूट आउट मिस होता है जब दो ग्रुप में आमने सामने गोलियां चलती हैं, ठीक है। वाइल कमिंग आउट ऑफ जेल, जेल से बाहर आते हुए, ऑन संडे इवनिंग, रविवार की शाम को, अतीक हु फेसेस ओवर 100 क्रिमिनल केसेस, अतीक जो 100 लगभग आपराधिक जिन पे मामले चल रहे हैं, फेस मिस होता है कोई चीज़ झेलना, ठीक है, तो जिन पे 100 आपराधिक मामले चल रहे हैं, शाउटेड, चिल्लाए, बिफोर किसके सामने, वेटिंग मीडिया पर्सन्स, जो मीडिया पर्सन जो वेट कर रहे थे बाहर उनके सामने चिल्लाए, डैट कि दिस वाज अ प्लॉय, ये एक षड्यंत्र है, ठीक है, प्लॉय में सकता षड्यंत्र, टू एलिमिनेट हिम, उसे निपटाने का, एलिमिनेट में सकता किसी की हत्या करना, किसी को ख़त्म कर देना, रास्ते से हटा देना, हत्या हत्या ही शाउटेड, हत्या हत्या वो चिल्लाए, ठीक है, एलिमिनेट में सकता मर्डर करना किसी का, ठीक है। अर्लियर, पहले, अ टीम ऑफ 23 कॉप्स, एक 23 पुलिस वालों की टीम, फ्रॉम प्रयागराज से रीच्ड साबरमती सेंट्रल जेल, तो वो साबरमती सेंट्रल जेल पहुंची, इन 4 व्हीकल्स, 4 वाहनों में, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 2 प्रिजन वैन्स, जिसमें 2 कैदियों वाली वैन शामिल थी, एंड 2 SUVs और 2 SUV, ठीक है। एट कितने बजे पहुँचे, 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे, ठीक है। सोर्सेस इन द साबरमती सेंट्रल जेल, तो जो साबरमती सेंट्रल जेल में जो सोर्सेस हैं, सूत्र हैं, सैड, उन्होंने कहा दैट की द यूपी पुलिस सबमिटेड अ कोर्ट ऑर्डर, तो यूपी पुलिस ने सबमिट में सोरा जमा किया, एक कोर्ट के आदेश जमा किए, टू गेट हिज कस्टडी, उसकी कस्टडी लेने के लिए, ठीक है। अ स्पेशल कोर्ट ऑफ प्रयागराज, एक जो विशेष कोर्ट है, न्यायालय है प्रयागराज का, हैज़ बीन ट्राइंग अ केस, वो एक मुकदमा चला रही है, ठीक है, ट्राई मिस होता मुकदमा चलाना भी होता है, ऑफ किडनैपिंग, अपहरण का, एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक आपराधिक षड्यंत्र का, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी मिस होता षड्यंत्र, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अतीक के खिलाफ,
एंड हिज़ ब्रदर अशरफ, और उसके भाई जो अशरफ हैं उसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है, ठीक है, एक आपराधिक षड्यंत्र का और अपहरण का। द कोर्ट विल प्रोनाउंस प्रोनाउंस द जजमेंट, तो प्रोनाउंस में छोटा डिक्लेयर करना, ऑफिशियली कुछ बोलना, ठीक है। तो जो द कोर्ट विल प्रोनाउंस द जजमेंट, तो जजमेंट मीन्स होता है फैसला, डिसीजन, वर्डिक्ट, तो जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। ऑन मार्च 28, 28 मार्च को, सो इसलिए इट वॉज नेसेसरी, तो ये जरूरी था, टू टेक हिम टू प्रयागराज, प्रयागराज उसे ले जाना। सैड साबरमती सेंट्रल जेल डिप्टी SP JS चावड़ा, ठीक है, ये जो जो सेंट्रल जो साबरमती सेंट्रल जेल के जो डिप्टी SP JS चावड़ा हैं उन्होंने ये बोला, ठीक है, उन्होंने ये कहा। आ यूपी पुलिस ऑफिसर, एक यूपी पुलिस के अधिकारी, हु वॉज अ पार्ट ऑफ द स्कॉट, तो वो एक अंग थे स्कॉट के, भले स्कॉट में सोचा किसी को सुरक्षा से कहीं पे लेके जाना, ठीक है। डैट वॉज सपोज टू टेक अतीक अहमद वाया रोड, जिन्होंने अतीक अहमद को ले जाना था वाया रोड, रोड के माध्यम से, ठीक है, रोड से होते हुए, इन अ 1300 किलोमीटर जर्नी, जो 1300 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें, ठीक है। सैड, उन्होंने कहा डैट की द स्पेशल व्हीकल्स हैड बीन ब्रॉड, तो विशेष जो व्हीकल्स से जो सवारियां थी वो लाई गई थी, फॉर कैरिंग फॉर्मर MP, फॉर किस लिए, फॉर कैरिंग फॉर्मर MP, जो पूर्व के जो MP हैं उनको ले जाने के लिए, ठीक है, कैरिंग में से उतार ले जाना। देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन, एक लंबी चर्चा हुई, ठीक है, चर्चा हुई बिटवीन, किसके बीच में, द ऑफिसर्स ऑफ गुजरात, जो गुजरात के जो अधिकारी हैं उनके बीच में, एंड यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस के बीच में, किसको लेकर, ऑन हैंडिंग ओवर द कस्टडी ऑफ अतीक अहमद, अतीक अहमद की कस्टडी को सौंपने पर, तो एक लंबी चर्चा चली, ठीक है। व्हेन द यूपी पुलिस, जब यूपी पुलिस ने शोड द कोर्ट ऑर्डर, तो उन्होंने न्यायालय के जो आदेश दिखाए, वेयर हिज प्रेजेंस, जहाँ पे उसकी उपस्थिति, ड्यूरिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ वर्डिक्ट, ठीक है, तो फैसले की घोषणा पर, वॉज नेसेसरी, जरूरी था, ठीक है। तो मतलब कि बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कोर्ट के ऑर्डर दिखाए और जहाँ पे उसकी जो उपस्थिति है अतीक अहमद की, वो जरूरी है फैसले के दौरान, ठीक है। वी हैंडेड ओवर हिज कस्टडी, हमने उनकी कस्टडी को सौंप दिया। आफ्टर टेकिंग लीगल ओपिनियन, कानूनी राय लेने के बाद, फ्रॉम स्टेट लॉयर्स, राज्य के जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उनसे कानूनी राय लेने के बाद उनकी कस्टडी सौंप दी गई। एन ऑफिसर ऑफ गुजरात पुलिस सेड, एक अधिकारी हैं गुजरात पुलिस के, उन्होंने ये कहा। यूपीस एडिशनल डायरेक्टर जर्नल लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो ये यूपी के अतिरिक्त महानिदेशक, ठीक है, कानून व्यवस्था के, लॉ एंड ऑर्डर के, प्रशांत कुमार, टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला, वी आर क्लोजली वॉचिंग द मूवमेंट, जो मूवमेंट है, जो गतिविधियां हैं, उनको हम बड़ा नज़दीकी से वॉच कर रहे हैं, निगरानी रखे हुए हैं, ठीक है। सफिशेंट फोर्स, जो पर्याप्त फोर्स है, जो बल है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड, दिया गया है बाय प्रयागराज पुलिस द्वारा फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए। डायरेक्टर जनरल प्रिजंस, जेल महानिदेशक, ठीक है, आनंद कुमार सैड, उन्होंने कहा डेट की अतीक वुड बी कैप्ड इन आइसोलेशन, अतीक को रखा जाएगा, आइसोलेशन में होता है एकांत, ठीक है, एकांत में रखा जाएगा, इन अ हाई सिक्योरिटी बैराक, एक हाई सिक्योरिटी बैराक में। जेल स्टाफ विल बी चूजन, जो जेल का जो स्टाफ है उसे चूज किया जाएगा, उसे सेलेक्ट किया जाएगा, एंड डिप्लॉयड, और तैनात किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिसोटा के आधार पर, द जेल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स, जेल विभाग मुख्यालय, विल मेंटेन विजिलेंस, तो मेंटेन विजिलेंस मिस होता निगरानी रखना, चौकसी रखना, तो वो जो जेल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर, वो चौकसी रखेगा, निगरानी रखेगा, ही सैड, उन्होंने कहा। अतीक वॉज शिफ्टेड टू साबरमती जेल इन जून 2019, अतीक को ले जाया गया, ठीक है, शिफ्ट किया गया, ठीक है, टू कहाँ पर, टू साबरमती जेल में इन जून 2019, ठीक है, जून 2019 में। द सुप्रीम कोर्ट हैड, सुप्रीम कोर्ट ने ऑन अप्रैल 22, 2019, 22 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिए थे डेट की
अतीक शुड बी शिफ्टेड, अतीक को शिफ्ट किया जाना चाहिए टू अ हाई सिक्योरिटी जेल, एक हाई सिक्योरिटी जेल में इन गुजरात में। आफ्टर किसके बाद इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए था? ही वॉज एक्यूज्ड, वह आरोपी थे, ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग, ऑर्केस्ट्रेट मीन्स होता प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग करने के, किसके आरोपी थे, प्लानिंग करने के, अपहरण के, जो अपहरण की जो उन्होंने प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी, उसके आरोपी थे। एंड असॉल्ट, और हमले के आरोपी थे, ऑन अ रियल इस्टेट बिजनेसमैन, एक जो रियल इस्टेट के जो बिजनेसमैन थे उन पर हमला किया था, उसके आरोपी थे ये मोहित जायसवाल, जिनका नाम क्या था, मोहित जायसवाल। वाइल इन जेल, जेल के दौरान, जब ये जेल में थे वो तभी उन्होंने ये प्लानिंग मतलब ये ऑर्केस्ट्रेट किया था, ये किडनैपिंग की, असॉल्ट की, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेट मीन्स होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना। ओके सर गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और जो हम न्यू चैनल में अपने कोई ये जो चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। एक तो ये सपोज टू हो गया, इसको कवर करेंगे, और ये एक वाइल को, और इस न्यूज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।